हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। जैसा कि दोस्तों कहते सभी हैं पर करता कोई नहीं है। मैंने काफ़ी इमेज देखी हैं, काफ़ी वीडियो देखी हैं ऐसी जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और उसको सब शेयर ही करते रहते हैं और उस चीज़ को करता कोई भी नहीं है। तो वही चीज़ मैंने आज आपके लिए करी है और ये हमारे लिए ही, सबके लिए ही है चीज़। मतलब मेरे लिए नहीं है, स्पेशल पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए भी कह सकते हैं इसको। तो वो है क्या आखिरकार? वो ये है कि मतलब कहते हैं कि ज़िंदगी में अपने एक पेड़ ज़रूर लगाओ। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक नहीं है, काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं और उसी को मैं इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कौन कौन से पेड़ मेरे पास हैं। और देखिए, एक कहावत और भी है जो खासकर भारत में चलती है ना, जुगाड़। हम जुगाड़ भी कह सकते हैं उसको, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसी चीज़ों से ही चीज़ें शुरू की जाएँ, जैसे कि बिल्कुल जेन्युइन चीज़ों से ही। मतलब इरादे आपके मजबूत होने चाहिए, चाहे फिर परिस्थिति कैसी भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले देखा आता है मेरे पास ये वाला, ये पेड़। बताइए आप कौन सा है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये मैंने गमले में लगा रखा है, बाकी दूसरा पेड़ मैं इसमें से हटा दूंगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी बड़ा गमला है इसका, ये पेड़ हटा दूंगा मैं। और ये पेड़ मैंने पिछले साल उगाया था, जामुन का। हर कोई घर में जामुन, फल फ्रूट कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। जैसे कि आम का सीजन क्या चल रहा है तो आम भी आजकल खा ही रहे हैं लोग, बाग उसकी गुठली लोग फेंक देते हैं। जामुन खाते हैं उसकी गुठली फेंक देते हैं। पर मैंने पिछले साल कुल मिला के लगभग 50 के आसपास गुठलियाँ बोई थी, जिसमें से इतने पेड़ मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि सबसे बड़ा है। देखिए इतना बड़ा पेड़ है, और देखिए इसमें मैंने लगाया किस चीज़ के अंदर, ये अमूल की पन्नी है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक पन्नी हम मिल नहीं रही थी मेरे कहीं पर भी, और मुझे ये पेड़ उगाने ही थे। अगर मैं ब्लैक पन्नी को उसमें रहता तो शायद मैं इनको ना उगा पाता। ठीक है, तो टोटल मिला के फिलहाल मेरे पास दो हैं अभी, और ऐसा नहीं है कि दो ही हैं। और थर्ड ईयर आपका तीसरे नंबर का, ये थोड़ा छोटा है क्या है पेड़। ठीक है, इसको ग्रोथ कम हुई थोड़ी इसकी, और बाकी कोई नहीं, इसको भी लगा देंगे, इसको थोड़ा डैम बांध लगाएंगे। बाकी चौथा ईयर और पाँचवा ये है आपका, छठा ये है। ठीक है, कुल मिला के काफ़ी सारे पेड़ हैं जो मैंने बोए हैं, और ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये काफ़ी बिल्कुल एक बहुत बड़े पेड़ की तरह अभी से ही निकल रहा है। ठीक है, और आगे आता है देखिए एक ईयर, ये होता है हमारा आठवा, ये हमारा आठवा होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फिलहाल इतने ही हैं, वैसे तो मैंने देखी काफ़ी सारे लगा रखे हैं, पर बाहर लगाने के लिए, रोड पे लगाने के लिए सिर्फ यही लगाए हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं, देख के हंसना मत फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं मिला था, गर्मी ज़्यादा ही थी, इसी वजह से मैंने ये जुगाड़ किया है। जैसे कि इसमें कैच गरम मसाले का लगा हुआ है, इसमें टेढ़ा मेढ़े का। ठीक है, और इसके अंदर एक और रखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा नौवा, और ये हो गया हमारा दसवा। मैं पीछे से दिखाता हूँ थोड़ा सा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसके अंदर दो लगाए गए हैं। देखिए ये पानी रोकने की वजह से है, क्योंकि पन्नी में छेद था नीचे, हर किसी में से पानी बह रहा था और ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, इस वजह से मैंने पन्नी में लगा दिए, और बाकी दो इसके अंदर लगाए हैं, जो मटके लगा दिए छोटे छोटे से, करवा चौथ वगैरह यूज़ जो होते हैं। ठीक है, और मेरा दो इसमें है, चार इसमें यानी कि। ठीक है, कुल मिला के जो है मैंने काफ़ी लगा दिया है पेड़। कुल मिला के देखिए यहाँ पे जो है फिलहाल ये 18 लगे हैं, मैं आपको एक बार वैसे दिखा देता हूँ दूर से। ठीक है, ये हैं कुल मिला के, और 18 है वो यहाँ पे, और दो चार से यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ होते हैं जो देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2, 26। ठीक है, 25 और 26 फिलहाल जो है इतना ही है वीडियो में, और 26 पेड़ मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मैं लगाना चाह रहा हूँ, और बरसात मौसम पड़ते के साथ ही इनको लगा दिया जाएगा। ठीक है, इनको वैसे तो दयालपुर, रामनगर वगैरह क्षेत्र में लगाने की कोशिश की जाएगी, और रुस्ते पे दिल्ली पुलिस, नानक सर वगैरह तक, वहाँ तक लगाने की मैं इनको उम्मीद रखूँगा। फिलहाल मेरे पास और भी हैं, और मैं शायद निकालते समय कुछ पेड़ मर भी जाएँ। ठीक है, इसमें वैसे 5-6 पेड़ हैं, पर इसमें से 2-3 तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अभी एक पेड़ ज़िंदगी में जरूर लगाएं, ताकि अगर हम आज शुरुआत करेंगे तो आने वाले 2-3 सालों में तो ये चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। क्या चीज़? सर्दी। और हाँ, ये कमेंट करके बताना कि ये पेड़ कौन सा है, देखते हैं कि इसको कितनी पहचान है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, कोई चीटिंग नहीं करेगा। वीडियो लाइक कर देना, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।